घबराइए मत. सो व्हाई आई हैव पेस्टेड आई विल दैट पिक्चर आई विल टेल यू. फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स. परसीव अ सिचुएशन और इवेंट टू बी अ थ्रेट, योर बॉडी बिगिन्स ए स्ट्रेस रिस्पॉन्स. एंड द रीजन बिहाइंड पेस्टिंग दैट फोटो इज दैट सिस्टम वुड हैव बीन इवॉल्व इन जंगल लाइफ. जब हम भी फॉरेस्ट में थे, सारे जानवर भी फॉरेस्ट में थे, एंड एवरी थिंग वॉज अबाउट प्रे एंड प्रीडेटर. या तो आपको शिकारी बनना है या शिकार बनना है. एंड दैट काइंड ऑफ सिस्टम वॉज इवॉल्व इन जंगल लाइफ. बट इफ यू टॉक अबाउट आवर जनरल लाइफ, वेन दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, इफ यू टॉक अबाउट अस, वेन दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड. सपोज यू हैव टेकन ए मील एंड गोइंग फॉर ए वॉक. बढ़िया चिकन वगैरह खा लिए हैं और टहलने के लिए निकले हैं, ठीक है. एंड सडनली अ जर्मन शेफर्ड डॉग इज बार्किंग एट यू. व्हाट विल हैपन? आप तुरंत दो चीज रिस्पॉन्ड करोगे, या तो उसको से लड़ सकते हो या तो उससे भाग सकते हो. द वेरी मस्ट थिंग व्हेन वी सी जर्मन शेफर्ड, जैसे पामेलियन को हम लोग कुत्ता समझते ही नहीं, छोटा सा है, पैर से मारे फेंक दिए, तो उससे हम फाइट कर सकते हैं. बट व्हेन वी सी जर्मन शेफर्ड, ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू रन. एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आर जनरेटेड व्हेन वी गेट दैट काइंड ऑफ फ्राइटफुल कंडीशंस. So if we talk about systems, both nervous system and endocrine systems are activated during reactions to stressors, and these things are involuntary. Involuntary means they are not in our control. जो system हमारे control में नहीं है, जैसे अगर हम बात करें blood pressure की, हम अपने blood vessels को ना constrict कर सकते हैं ना dilate कर सकते हैं. These systems are involuntary systems. When we talk about voluntary systems, means our skeletal muscles. हम अपने पैर को जब चाहे तब मूव कर सकते हैं. सो दीज रिस्पॉन्सेज आर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज. एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम वेयर दे आर गवर्न, सो दीज आर दी हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड ड्यूरिंग फ्लाइट ऑफ फ्राइटफुल कंडीशन. एंड दिस हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एंड एज आई टोल्ड यू, दिस सिस्टम इज इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री मीन्स इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. एंड मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज contributor to the synthesis of epinephrine and norepinephrine. Sympathetic and parasympathetic and enteric nervous system, all these three systems comes under autonomic nervous system. So basically sympathetic nervous system gets activated when we really need sympathy, and parasympathetic nervous system gets activated when we want to rest and digest. So if you are facing a German Shepherd, obviously you are going to have sympathetic nervous system activated. And the other gland, which is adrenal gland, adrenal medulla, also produces epinephrine and norepinephrine. Now if we talk about how they act on different tissues or organs, obviously if something which is not lipophilic, it has some receptor, its receptor should be present on the target cell. And if we talk about stimulatory tissues, means those tissues which will help us to fight with the stress should be stimulated, and those tissues which will not help us to fight with the stress should be inhibited. And all those tissues which will be stimulated must have alpha 1 adrenergic receptor, except three places where beta 1 adrenergic receptor will be there. And if we talk about inhibitory receptors, these are beta 2 adrenergic receptor, and at some places you will find alpha 2 adrenergic receptor. So we are not going to see about alpha or beta. We are going to see one means stimulatory, two means inhibitory. Okay? So now we will see the response of sympathetic nervous system or epinephrine or norepinephrine. This photo shows what kind of fashion nowadays is running. आजकल आप देखोगे ब्रिल क्रीम और बहुत सारी क्रीम आ रही है बाल खड़ा करने के लिए. बट वेन वी वेयर स्टूडेंट, उस समय क्या होता, इफ यू आर स्टूडेंट एंड यू आर स्ट्रेस, यू विल फील कि हाँ रोआ खड़ा हो गया, बाल खड़ा हो गया. दिस इज ए स्ट्रेसफुल कंडीशन. एंड दैट हैपेंस बिकॉज अरेक्टर पाइलाई मसल्स, ये जो मसल दिखाई दे रही है, दिस इज अरेक्टर पाइलाई मसल. एंड वेन दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट, it will raise the hairs. So which kind of receptor I am talking about? If stimulation is there, alpha 1 means one receptor is there, inhibition is there, two receptor is there. So if this muscle will stimulate, obviously the hairs are going to raise. So one means stimulatory receptor should be there. Now if we talk about blood circulation which is going to the skin, jo blood circulation hai jo iski skin ki taraf ja raha hai, wo hame zyada chahiye ki kam chahiye? Obviously, we don't need more circulation towards the skin. क्योंकि अगर कुत्ता आ रहा है और अगर आपको काट ही लिया, you don't want more blood to lose. Blood loss should be minimized. That's why
what will happen? If we talk about our blood vessels, and I told you that these are involuntary muscle cells, means these are not in our control, when they will constrict, means the blood vessels which is going towards the hair follicle, if this will constrict, less blood will go to that particular area. When that vessel will dilate, more blood will go to that particular area. And when we are followed by German Shepherd, obviously we don't want more blood to go to the skin areas. क्यों? क्योंकि कुत्ता काटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा blood loss हो जाएगा. So this should be constricted. क्योंकि जब ये constrict होगा तो कम blood जाएगा उस side में. ठीक है? So which receptor should be present there? Obviously alpha 1 adrenergic one receptor. I am not talking about alpha or beta. One means stimulation, two means inhibition. Now if we talk about eyes, क्या होता है जब उस तरह की condition में हम होते हैं तो the size of the pupil dilates. Why it dilates? Because this is the time when you have to gather maximum amount of light so then you can see the things which are far away from you. क्यों? क्योंकि यहाँ दौड़ते हुए आ रहा है और हमें भागना है. हम नीचे का गड्ढा नहीं देखेंगे, दूर की चीज़ देखेंगे, maximum light accumulate करें कि वहाँ भाग के जाना है. So in that particular condition, there are pupillodilator muscles. When they will contract, they will increase the size of pupil. And obviously, we have to increase the size of pupil because we want more light to come inside our eyes. ठीक है? एक और condition होती है जहाँ पे pupil dilate होता है. When we go for the candlelight dinner with someone, आप किसी के साथ पहली बार candlelight dinner पे जा रहे हैं, तो उस time भी, चूँकि light low होती है, उस condition में pupil dilate हो जाता है. And according to me, it is because sometimes you don't want to see things clearly. You want to see things attractive, okay? Now, if we talk about its effect on heart, skeletal muscle, kidney and gastrointestinal tract. And as heart is showing, it is red in color and obviously in that kind of frightful condition, our heartbeat increases. Dhak dhak karne lagta hai, bahut teji se, theek hai? So, which kind of receptor should be there? Obviously, one. One is stimulatory and if heart beat is increasing, total cardiac output is increasing, receptor type which should be there is one type of receptor. Now if we talk about our digestive tract, तो जब उस type की condition है तो ऐसा नहीं है, उस समय भाग जाना ही विजय है. आप वो नहीं सोच रहे होंगे कि हमारा system मुर्गा मछली और नेनुआ पचा दिया होता तब हम भागते तो बच जाते, ऐसा कुछ भी condition नहीं है. तो आपको क्या करना है, you don't want more supply towards the digestive tract because at that point of time you want no more digestion, क्योंकि उस समय भाग जाना है, अस्तित्व बचा लेना है किसी भी तरीके से. So what will happen? Those blood vessels which are supplying towards the digestive tract, they will constrict. Less blood show should be towards the digestive tract. If we talk about kidney, obviously you don't want more blood supply towards the kidney because you don't want more filtrate to come from the kidney and you don't want more and more urine to be formed. Now if we talk about skeletal muscle, obviously that is the time to run away from the German Shepherd. ठीक है, so what is the physiological relevance of all these things? That if we are talking about circulation, glucose is the energy source. Okay, now don't channelize blood towards the digestive tract, don't channelize towards the skin, don't channelize towards the kidney, channelize entire glucose towards the skeletal muscle because now right now I have to run. या तो मुझे मारना है या भाग जाना है. इस कंडीशन में सारी जगह ब्लड सप्लाई रोकिए, सारे का सारा ग्लूकोज स्केलेटल मसल को दीजिए और वहाँ से पलायित होइए और विजयी हो जाइए. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट लीवर, ऑब्वियसली इफ आई एम सेइंग दैट मोर एंड मोर ग्लूकोज शुड रीच टू द स्केलेटल मसल मीन्स मोर ब्लड सप्लाई शुड बी देयर एंड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज शुड बी मेंटेन्ड इन आवर सर्कुलेशन. और वो कॉन्स्टेंट सप्लाई कैसे मेंटेन होगी? बिकॉज ऑफ decreased glycogenesis means conversion of glucose to glycogen will be inhibited. Glycogen is a storage form of glucose and it is stored in the liver. So, agar hum conversion rok dein glucose ka glycogen mein aur glycogen ko glucose mein jyada convert karne lage, means agar hamare blood mein glucose jyada hota hai to glycogen mein convert hoke liver mein store ho jata hai aur jab hame zarurat hoti hai glucose ki to wahi glycogen ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बाहर होता है. हमें ज़्यादा सप्लाई चाहिए ग्लूकोज की, हम क्या करेंगे, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन रोक देंगे और ग्लूकोज का फॉर्मेशन बढ़ा देंगे एंड दैट्स हाउ इट विल कम इनटू द सर्कुलेशन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट यूरिनरी ब्लैडर, देयर आर स्मूथ मसल सेल्स विच आर सप्लाइंग टूवर्ड्स द लेटरल पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, दीज आर कॉल्ड डेट्रूजर मसल्स एंड दिस इज स्फिंक्टर मसल. अब एक ब्लैडर की कल्पना करिए कि यूरिनरी ब्लैडर है, इसके चारों ओर स्मूथ मसल है और नीचे एक स्फिंक्टर लगा रहे हो, जैसे गुब्बारे को हम बांध दिए मुंह से.
अगर हम इस गुब्बारे को बांधे हुए हैं और वो टाइट है, ऑब्वियसली अंदर से हवा लीक नहीं करेगी, और इसको हम रिलैक्स छोड़े हुए हैं तो भी हवा लीक नहीं करेगी जब तक हम इसको पुश नहीं करते. तो अगर हम इस मसल की बात करें, डिट्रूजर मसल की, तो दिस शुड कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. मैंने कहा एक गुब्बारा है, भरा हुआ है, अगर ऊपर से दबाएंगे तो यूरिन बाहर निकल जाएगी. तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन बाहर निकल जाएगी, एंड ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर टाइम इज़ नॉट द टाइम टू यूरिनेट. इमेजिन कि कोई जर्मन शेफर्ड किसी को दौड़ा रहा है और वो भाग रहा है यूरिनेट करते हुए, तो कितना तेज़ी से वो भाग पाएगा आप इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, सो अगर हम बात करें डिट्रूजन मसल की, दैट शुड नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड, दैट शुड बी रिलैक्स्ड, इनहिबिटरी रिसेप्टर शुड बी देयर, एंड दैट इज़ टाइप टू. When we talk about sphincter, गुब्बारे का मुंह जितना टाइट रहेगा हवा उतना आराम से नहीं निकलेगी. बस साहब, बस लास्ट स्लाइड है इसके बाद. गुब्बारे से हवा आसानी से नहीं निकलेगी. स्फिंक्टर को टाइट रखना है, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्टेड रखना है. स्टिमुलेटरी रिसेप्टर शुड बी देयर, एंड दैट इज टाइप वन. बस लास्ट स्लाइड. नाउ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, इफ वी टॉक अबाउट नॉन प्रेगनेंट यूटरस एंड प्रेगनेंट यूटरस, एंड एज आई टोल्ड यू दैट सिस्टम वॉज इवॉल्व इन जंगल लाइफ. When uterus is non-pregnant, alpha 1 adrenergic receptor is there and uterus will contract. क्योंकि जब uterus will contract, obviously that will propel the embryo outside the uterus. ठीक है, तो non-pregnant condition में जब baby नहीं है, that uterus will contract. But in case of pregnant rat, pregnant human beings or any animal, what will happen? Beta 2 means 2 receptor is there. Why? Because the product of conceptus should not be lost. Because we are all here for food and perpetuation of species. So, वहाँ पे purpose क्या है कि अगर embryo है uterus में, that should not be lost, तो वहाँ पे inhibitory receptor है. Two type receptor है कि अगर वो stressful है भी, उसको भागना भी है, epinephrine और epinephrine है भी, तो भी two type receptor रहना चाहिए, because pregnancy should be maintained. ठीक है, and that was all about my slides. Thank you.